कक्षा पांचवी विषय हिंदी। आज हम जितने पाठ हमने पढ़े हैं उस पाठ की हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला पाठ है नंदनवन। इस पाठ में दो चित्र दिए हैं, उस चित्र में बहुत सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं और वो प्राणी हमें कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तोता क्या कह रहा है, नमस्ते। तितली कह रही है स्वागत है। खरगोश कह रहा है नाचो गाओ हम सब साथ है, कतार में चलो, ऐसा हाथी बोल रहा है। पहली इकाई पेज नंबर 3 पे भी बहुत सारे प्राणी है और वो भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अभी देखो ऊपर आसमान में पक्षी कह रहा है प्रणाम, नीचे पानी में एक मछली दिखाई दे रही है, वो क्या कह रही है, जल ही जीवन है। मतलब जल ही हमारा जीवन है, अगर पानी पानी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको पोयम याद होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मतलब जैसे मछली का जीवन पानी है, जल है, वैसे ही हमारा भी जीवन पानी है। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, कोई भी सजीव पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी हमारा जीवन है। वैसे ही ऊपर देखिए, हरियाली में ही खुशहाली है। मतलब हर जगह अगर हरियाली हो, मतलब हर जगह बहुत सारे पेड़ हो, तो क्या होगी, हवा हवा शुद्ध होगी, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। बारिश भी ज़्यादा होगी तो इसका हम सबको फ़ायदा होगा, इसलिए हर जगह हरियाली होनी चाहिए। जो मानव पेड़ को काटते हैं वो पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, इससे हरियाली आएगी। कविता क्रमांक 2 बूंदे। इस कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना। अब इस कविता में बूंदे क्या क्या करती है ये बताया है, तो चलो देखते हैं ये बूंदे क्या क्या करती है। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। ये बूंदे जब धरती पर आती है तो रिमझिम रिमझिम गाना गाते हुए धरती पर आती है। खेतों बागों में दानों में हरियाली फैलाती बूंदे। जब ये धरती पर आती है तो हर जगह हरियाली फैलाती है, हमारे खेत हमारे बाग सब हरे भरे हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है और ये सब बारिश की बूंदों की वजह से होता है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती है बूंदे। अब ये बूंदे जब धरती पर आती है तो वो नालों में भी मिल जाती है, नदियों में भी मिल जाती है और सागर में भी मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। अगर गर्मी लग रही हो, गर्मी हो, बहुत सारी धूप हो और उसी वक्त अचानक अगर बारिश हो जाए तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मतलब बारिश की बूंदों की वजह से गर्मी हट जाती है, हर जगह शीतलता पहुंचती है, मतलब हर जगह ठंडा ठंडा महसूस होता है, इसलिए बारिश की बूंदें सबको पसंद होती है। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाना मतलब खुश कर देना। अभी बारिश की वजह से, बारिश की बूंदों की वजह से मोर मेंढक पपी है कोयल भी खुश हो जाते हैं। मोर भी देखो अपने पंख खोल के नाचना शुरू कर देते हैं, मेंढक भी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, पपीहे कोयल भी गाना गाना शुरू करते हैं, कुहू कुहू बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये बारिश की बूंदों की वजह से सब खुश हो जाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। मतलब बूंदे सबको खुश कर देती है, पुरवाई के रथ पर मतलब खुशियों के रथ पर चढ़कर ये बूंदे नीचे आती है और सबको खुश कर देती हैं। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव। इस पाठ के लेखिका है सुधा शर्मा। अब इस पाठ में एक मंत्री दूसरे मंत्री का चुनाव कैसे करते हैं वो दिया है, तो चलो देखते हैं। एक मंगलसेन नाम के राजा थे, उनके जो मंत्री थे जगत राम वो बुड्ढे हो चुके थे, तो वो राजा को कहते हैं कि मुझे सेवा मुक्त कीजिए।
तो राजा उनको कहते हैं, ठीक है आपको सेवा मुक्त होना है, आप हो जाइए, लेकिन उससे पहले आप आपके जैसा ही सेवाभावी परोपकारी ईमानदार मंत्री का चुनाव कर दीजिए, उसके बाद आप सेवा मुक्त हो सकते हैं। तो मंत्री जी क्या करते हैं, राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को दरबार में 11 बजे होने वाला है, तो जिस जो कोई सहभागी लेना चाहता है वो दरबार में आ सकता है। तो ये ढिंढोरा हर गांव में पिटवा देते हैं। तो चयन वाले दिन दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग जाती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें सहभाग लेने के लिए आते हैं, लेकिन दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर ही एक वृद्ध हताशा बैठा था, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था और वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर वो निकल नहीं पाया, वो उसमें असफल रहे। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज्य दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, मतलब जो चुनाव में सहभागी होने वाले थे वो सारे युवक ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने उसकी वो वृद्ध इंसान की किसी ने हेल्प नहीं की। लेकिन एक कर्मवीर नाम का जो युवक था उसने यह देखा कि एक वृद्ध इंसान परेशान बैठा है, तो वहाँ वो कर्मवीर वहाँ पे गए और उस वृद्ध इंसान की मदद की, वो पहिया जो कीचड़ में फंसा था वो निकालने की कोशिश की, और निकालने की कोशिश में कर्मवीर के कपड़े और हाथ कीचड़ की वजह से गंदे हो गए, फिर भी उसने इसके बारे में नहीं सोचा और उस वृद्ध की हेल्प की और वो पहिया कीचड़ से निकालने के बाद उस वृद्ध ने कर्मवीर को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कुछ पैसे भी दे रहे थे, इनाम में दे रहे थे, लेकिन उनको कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया और फिर वो चुनाव के लिए वहाँ से निकल पड़ा दरबार में आने के लिए। तो वो जल्दी जल्दी दरबार में आने लगे। तो दरबार में आने के बाद कर्मवीर को देखकर बाकी के जो युवक थे वो उस पे हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़े, कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से खराब हो गए थे। तो उसके बाद पीछे पीछे जो वृद्ध थे वो भी आ गए, जो बैलगाड़ी में बैठे थे वो वृद्ध आगे आ गए, वो वृद्ध असल में मंत्री जी थे। फिर वो वहाँ पे आके मंत्री जी राजा को सब कहानी बताते हैं और फिर उनको पता चल जाता है कि यही इंसान जो कर्मवीर है यही मंत्री पद के लिए उचित है, वही मंत्री पद संभाल सकता है। और ये कहानी सुनने के बाद राजा भी खुश हो गए और वो उन्होंने भी कर्मवीर को मंत्री पद के लिए स्वीकार किया, मतलब कर्मवीर में जो सारे गुण है जो एक मंत्री में होने चाहिए। इसी तरह इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।